नवी मुंबई के सारसोले में सीबीएसई स्कूल की शुरुआत होने वाली है। युवा नेता और स्थानीय नगर सेवक सूरज पाटिल की मांग पर नवी मुंबई मनपा आयुक्त ने यहां पहली से दसवीं कक्षा तक सीबीएसई विद्यालय प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है। नगर सेवक सूरज पाटिल ने इस पर आज खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सीबीएसई स्कूल शुरू होने से गरीब और सामान्य छात्रों को अंग्रेजी के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पाने में मदद मिलेगी। देखिए रिपोर्ट। सारसोले और नेरुल के गरीब और सामान्य घरों के बच्चे भी अब कॉन्वेंट स्कूलों की तरह शिक्षण ले सकेंगे। इसके लिए महानगर पालिका पहली से दसवीं तक सीबीएसई स्कूल खोलने की तैयारी में है। सानी नगर सेवक सूरज पाटिल की मांग पर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने सारसोले में नए सत्र से सीबीएसई स्कूल प्रारंभ करने को मंजूरी दे दी है। आज नगर सेवक सूरज पाटिल ने इस फैसले के लिए आयुक्त अभिजीत बांगर का आभार जताते हुए कहा कि इससे सारसोले और नेरुल के विविध इलाकों के गरीब और सामान्य छात्रों को अंग्रेजी मीडियम में निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पाने में मदद मिलेगी। 2012 में कुक्षेत गांव में इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करने के बाद जो आज उसकी प्रगति है, 1500 से ज़्यादा बच्चे वहाँ शिक्षण ले रहे, और उसके बाद जब सारसोला की जिम्मेवारी हमारे कंधों पे थी तो निश्चित तौर पे शैक्षणिक प्रगति के लिए सारसोला के लिए हमने सीबीएसई माध्यम की स्कूल चालू करने की गुहार लगाई थी। माननीय आयुक्त साहब के माध्यम से इसको मान्यता मिलने के बाद जो खुशी हमारे दिल में है, निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के उन सर्व सामान्य परिवारों के लिए सीबीएसई बोर्ड की स्कूल सारसोला गांव में स्टार्ट हो रही है, इसका हमें बहुत आनंद है। बताना जरूरी है कि इससे पहले वर्ष 2012 में नगर सेवक सूरज पाटिल के प्रयासों से ही अंग्रेजी माध्यम स्कूल की शुरुआत हुई थी और अब सीबीएसई स्कूल प्रारंभ होने वाला है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई स्कूल का संचालन एक प्राइवेट संस्था द्वारा FSMPT पद्धति पर होगा, जिसका 55% खर्च महानगर पालिका उठाएगी, जबकि 45% खर्च स्वयं संस्था को वहन करना होगा। सूरज पाटिल ने कहा कि लोक नेता गणेश नाइक के नेतृत्व में सारसोले और नेरुल क्षेत्र में ज्ञान गंगा बहाने की कोशिश चल रही है। उन्होंने जल्द ही जूनियर कॉलेज शुरू कराने का भी भरोसा दिलाया। कुक्षेत गांव, नेरुल गांव, यहाँ पे LIG MIG माथाड़ी माफाड़ी बस्ती है, तो ये पूरा क्षेत्र 2 क्षेत्र 3 मतलब 16, 18, 24, 20, 22 सेक्टर 2, 4 ये सभी इलाके के जो विद्यार्थी हैं उनकी ज़रूरत थी, सर्व सामान्य गरीब जनता की ये गुहार थी और वो आवाज़ हमने वहाँ पे बुलंद की। और मैं विशेष तौर पे गणेश नाइक साहब, जिनका विजन शिक्षण के लिए बहुत अच्छा है, उनके माध्यम से ये सफल हो रहा है, और विशेष तौर पे माननीय आयुक्त अभिजीत जी बांगर साहब का विशेष आभार मानूंगा कि उन्होंने ये हमारी मांग पूरी की, जायज समझी और इसको निश्चित तौर पे न्याय दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।